एक 6-7 साल का मासूम सा बच्चा अपनी छोटी बहन को लेकर मंदिर के एक तरफ कोने में बैठा हाथ जोड़कर भगवान से न जाने क्या मांग रहा था। कपड़े में मैं लगा हुआ था मगर निहायत साफ उसके नन्हे नन्हे से गाल आंसुओं से भीग चुके थे। बहुत लोग उसकी तरफ आकर्षित थे और वह बिल्कुल अनजान अपने भगवान से बातों में लगा हुआ था। जैसे ही वह उठा, एक अजनबी ने उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और पूछा, क्या मांगा भगवान से? उसने कहा, मेरे पापा मर चुके हैं, उनके लिए स्वर्ग, मेरी माँ रोती रहती है, उनके लिए सब्र, मेरी बहन माँ से कपड़े सामान मांगती है, उसके लिए पैसे, तुम स्कूल जाते हो? हाँ जाता हूँ स्कूल। अजनबी ने फिर पूछा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बच्चे ने कहा, नहीं अंकल पढ़ने नहीं जाता, माँ चने बना देती है, वो स्कूल के बच्चों को बेचता हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं, हमारा यही काम धंधा है। बच्चे का एक एक शब्द रूह में उतर रहा था। तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? न चाहते हुए भी बच्चे से पूछ बैठा। पता नहीं, माँ कहती है गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, माँ झूठ नहीं बोलती। पर अंकल मुझे लगता है माँ कभी कभी झूठ बोलती है, जब हम खाना खाते हैं तब हमें देखती रहती है, जब कहता हूँ माँ तुम भी खाना खाओ तो कहती है मैंने खा लिया है, उस समय लगता है माँ झूठ बोलती है। बेटा अगर तुम्हारे घर का खर्च मिल जाए तो तुम पढ़ाई करोगे? बिल्कुल नहीं, पढ़ाई करने वाले गरीबों से नफरत करते हैं अंकल, हमें किसी पढ़े हुए ने कभी नहीं पूछा, पास से गुजर जाते हैं। अजनबी बहुत हैरान भी था और शर्मिंदा भी। फिर उसने कहा, हर दिन इसी मंदिर में आता हूँ, कभी किसी ने नहीं पूछा, यहाँ सब आने वाले मेरे पिताजी को जानते थे मगर हमें कोई नहीं जानता। बच्चा यह कहकर जोर जोर से रोने लगा, अंकल जब बाप जाता है तो सब अजनबी क्यों हो जाते हैं? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था, ऐसे कितने मासूम होंगे जो हरसतों से घायल है। बस एक कोशिश कीजिए और अपने आसपास के ऐसे जरूरतमंद यतीमों बेसहाराओं को ढूंढिए और उनकी मदद कीजिए।